हेलो दोस्तों, आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर किसी टीचर को अपने विद्यालय में सीनियर स्टूडेंट्स की विदाई में बोलना हो तो किस तरह से भाषण वो दे सकते हैं? मोटिवेशनल भाषण है, बहुत ही अच्छा, तैयारी के साथ शिक्षक इसको बोल सकते हैं। शुरुआत करें, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। सबसे पहले हमारे सीनियर स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। सीनियर स्टूडेंट्स के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षित और जागरूक भारत की बुनियाद आदरणीय शिक्षक एवं परिवार समाज को नई ऊंचाई के आयाम देने वाली नई ऊर्जा नई उम्र का अभिवादन करता हूं। 12वीं का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर क्लास हमारे स्कूल से विदा हो रही है। इसके बाद आप जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा, आज समय में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव में युवा भटक भी रहे हैं और कुछ युवा बड़ी उपलब्धियाँ भी प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह सोचना ज़रूरी है कि हम उस परिवर्तन में पतन की ओर जाते हैं या परिवर्तन का लाभ लेकर उत्थान की ओर बढ़ते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं। वक्त के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। आज सभी के पास स्मार्टफोन है, आज का सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है। आज दुनिया भर की जानकारी हमें पल भर में हासिल हो जाती है, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हम इस बदलाव के साथ खुद की मानसिकता बदलें। इस यंत्र का प्रयोग अपने लाभ के लिए करें। उन्नति के लिए मोबाइल बहुत उपयोगी है। उंगलियों पर जब से चला जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। उंगलियों पर जब से चला जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज़ है बच्चों, कहीं ज़िंदगी आबाद तो कहीं बर्बाद होने लगी है। तेज़ी से हो रहे परिवर्तन के साथ जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। फैशन के बदलते प्रभाव में अक्सर हम जागरूक नहीं रह पाते और दिखावे पर पैसा खर्च कर देते हैं। अपने सोच में नयापन लाएं, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान की वृद्धि और कुछ नया सीखने के लिए बेशक हम मोबाइल का प्रयोग करें। स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी आज़ादी नहीं होती, मगर कॉलेज लाइफ में हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस आज़ादी का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने परिवार माता पिता को हमेशा अपने सम्मुख रखना। जीवन में कुछ भी करो, बस यह ध्यान रहे कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसका मुझे, मेरे परिवार या समाज को क्या लाभ है। ऐसे काम कदापि न करें जिससे समय की बर्बादी हो और पैसे का नुकसान हो। इसके लिए आज से आपको खुद के साथ वादा करना होगा। आपको अपने परिवार और खुद के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। आप इस विद्यालय से एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विदा हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस छवि को इसी तरह बरकरार रखेंगे और अपने परिवार और समाज को उज्ज्वल करेंगे। अपने वक्तव्य के समापन पर दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, दिलों में उतर जाओ या किसी को दिल में उतार लो। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से आप बोलिए और इसमें कुछ बातें ऐड कीजिए, कुछ बातें छोड़ दीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे आप मैनेज कीजिए। अच्छा भाषण और विदाई पर बोलिए, बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी है। इसी तरह से आप चैनल से सीखते रहिए। अगर आपको किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।